बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में लगे ओवरलोड मिट्टी भरे ट्रक की वजह से रास्ता हुआ क्षतिग्रस्त। आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाने का किया प्रयास। बांदा जिले के ग्राम पंचायत बिलबई कलेक्टर पुरवा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हाईवे के ठेकेदार की एक बार फिर मनमानी देखने को मिली। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में लगी कंपनी कोई इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार अपनी दबंगई के बल से दलित बस्ती के अंदर से मिट्टी से भरे हुए ओवरलोड ट्रक जबरदस्ती निकाल रहे हैं, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाने का किया प्रयास। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। ग्रामीणों की मांग है कि बस्ती को छोड़कर गांव के बाहर से रास्ता बनाया जाए ताकि जो दुर्घटना हो रही है वो होने से बच जाए। गांव के लोगों ने बताया कि निकलने वाले आम रास्ता गोधनी गांव सहित कई अन्य जगह आने जाने वाले लोगों की रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि दो दिन पहले यहां पर बस्ती से गुजरते समय ट्रक ने एक गाय को टक्कर मारी थी। गाय की मौके पर मौत हो गई थी। वहीं दूसरे दिन रविवार के दिन ट्रैक्टर ट्राली को पीछे से जोरदार टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त किया था। आज आक्रोशित ग्रामीणों ने गोधनी तैद्वारी की तरफ जाने वाले रास्ते को जाम करने का प्रयास किया। घटना की जानकारी के बाद पहुंचे रोड कंस्ट्रक्शन कर्मचारियों ने लोगों से बातचीत कर मामले को सुलझाने में रहे। कर्मचारियों ने बताया कि हमारे पास सभी तरह के आदेश है, कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। इस मौके पर अवधेश नामदेव, बच्चा तिवारी, कैलाश तिवारी, जनक तिवारी, नवल तिवारी, बच्चू वर्मा, बाबूलाल वर्मा सहित महिलाएं आदि मौजूद रहे। ग्रामीणों की मांग है कि बस्ती से ओवरलोड ट्रक मिट्टी भरे दूसरी तरफ से निकाल कर ले जाए ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चे रोड से निकलते रहते जो ओवरलोड ट्रक की वजह से पैदल निकलने में डर रहे हैं। क्या शासन प्रशासन किसी बड़े हादसे का कर रहा है इंतजार? रिपोर्ट शैलेंद्र त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ, चित्रकूट मंडल, एवीपी भारत न्यूज चैनल। मिथिलेश, कहाँ पे हैं आप? अपने घर पर। कौन सा गांव है? बिलबई। क्या समस्या, किस समस्या को लेकर परेशान हैं? रोड के किनारे हमारा घर है, हमारा घर गिरा रहे हैं। तो आपने किसी को जानकारी दी अभी तक? हम किसी को आज घर में तक किसी जानकारी दी? अपने रोड पे आप रुक जाइए, एक आदमी यहाँ से नियमत निकालिए तो कह रहे थे सरकारी रोड है, मोदी जी बनवाएंगे। ये आपने ठेकेदार को एक बार मना किया कि यहाँ से नहीं निकले? मना किया मैं दो बार ठेकेदार को। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ठेकेदार? ये बोला हूँ ठेकेदार जी को की सर यहाँ से आप मिट्टी मत निकालिए, गाँव की बस्ती से, गाँव के बाहर से निकालिए। कह रहे हैं बेटा यहीं से मिट्टी निकलेगी, रोड है सरकारी रोड है। मैं तालाब से भी कहा कि सर तालाब बना हुआ है, अभी हमारे तालाब नया तालाब है, तालाब खराब हो जाएगा, गांव का कहते काम है, कहते हाथ जोड़ के निवेदन है आप रास्ता बगल से निकाल लीजिए। तो ये माने नहीं, कहा नहीं सरकारी रोड है यहीं से निकले। आज पता चला किसी ट्रैक्टर में ठोकर मार दिए, किसी ट्रक ने? एक ट्रैक्टर में ठोकर मारा है, वहाँ पे खड़े थे, एक ट्रक था 900 कुछ नंबर था, नंबर नहीं नोट कर पाए हैं, 940। कुछ पत्रकार लोग आए थे, उनके साथ भी अभद्रता की है ठेकेदार ने? हाँ सर किया है, बदतमीजी किया है, बोले भी हैं कि आप वीडियो न बनाइए, कहते फालतू की चीजें बोल रहे थे। माने कहते अब पैसे की धमकी दे रहे थे कि पैसे ले लो। अब एक हमारे गांव के और सीनियर थे, उनको भी अपने अकेले बात करना चाहते थे कि कहते आके पैसे ले लो, कहते गांव वाले के जनता को जाने दो। तो सर हमारे पास इतने ही है, हमारा सर एक घर है, गरीब आदमी है, हमारा घर गिर जाएगा, घर के बगल से देखो रोड टूट गए, हम क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? लाभ सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हरियाणा। जी ये बताइए क्या है यहाँ पर प्रॉब्लम, किस तरह की समस्या हो रही है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे मिट्टी डाल रहे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट है, आपको इन्फ्रा का काम कर रहे हैं, तो मिट्टी इस तालाब से जा रही, जो आपको दिख रहा होगा पीछे ये तालाब है, इसके साथ से मिट्टी जा रही है। दो चार लोगों ने गांव के ये सड़क जा रही है बिलबई से मोदा, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाला ये सड़क है, चौड़ी 33 फुट चौड़ा रोड है। इस पर कुछ लोग ये जानबूझ के हमसे पैसा वसूल करने के लिए रास्ते में पत्थर डाल रहे हैं, मुसीबत इकट्ठा कर रहे हैं। हम रोड पर मिट्टी मुट्टी डाल के लेवल भी करते हैं तो खड्डे खोदते हैं जानबूझ के, और फिर हमारी एप्लीकेशन लगा रहे हैं हमारे से पैसा ऐठने के लिए कि ये काम कर रहे हैं, परदेसी आदमी है, इनके ट्रक रोको, ये पैसे रात को दारू पीने के लिए 100-200 रुपये, 1000 रुपये, कुछ मोटे भी हैं इसमें वो 10-20 हज़ार मांगते हैं, कुछ लाखों में मांग रहे हैं। ये सभी तरह यहाँ तक ग्रामीणों का आरोप है, सीधा सीधा सा आरोप है कि आप समझिए, आप उसकी वीडियो आपने गड्ढे खुदे हुए हैं, मौके में देखा गया कि यहाँ पर गड्ढे खुदे हुए हैं, तो गड्ढे का जैसा कि अभी भरने का काम जेसीबी के द्वारा किया गया, तो इस तरह में आप लोग क्या कहेंगे, ये बोल किस तरह से क्या बोलेंगे आप? गड्ढे खुदे हैं तो आप देखिए, आपने बाइट लीजिए, हमने मशीन से कंक्रीट लाके वहाँ भरा है, कंक्रीट भरा, आप पूछिए इनसे, किसी पब्लिक से पूछे, हमने अभी मिट्टी पत्थर डाला है। और यहाँ पर बस्ती है, जिस तरह से बस्ती से आप लोगों के ट्रक निकालते हैं, ये तो आप लोगों का आदेशित भी होगा,
ये आदेश के हमारे ट्रक ड्राइवर के पास लाइसेंस है, हैवी लाइसेंस है, परमिशन हमारे पास, नेशनल परमिट हमारी सभी गाड़ी। किस तरह का आप लोगों के पास में परमिशन है गांव के अंदर से निकलने का? ऐसे नहीं है जनाब, ये एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाला रोड है, गांव के अंदर से रोड जा रहा है, इसकी साइड में गांव का बाईपास है। जैसे कि नहीं नहीं, आप समझिए, ये गांव का बाईपास है। ये तो बस्ती से, अगर ये रास्ता अगर बस्ती से जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? कौन सा गाँव है ये? अच्छा, ये बताइए क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या रोड की समस्या है, अंदर गांव की रास्ता है। और मैं ट्रैक्टर लेके सुबह आ रहा था, मेरे ट्रैक्टर में ठोक दिया है उसने, भरा ट्रैक्टर था। अच्छा, फंस गया, नहीं फंस गया था ट्रैक्टर। और ये कॉर्नर देख लीजिए, कॉर्नर घर का बिल्कुल खतरनाक उसमें मौके में है। अच्छा, किस तरह की समस्या होती है आप लोगों को? समस्या ये होती है कि यहाँ से हर तरह का साधन निकलता है, सिंगल रोड है, ट्रक जा रहा है भरा हुआ, ओवर लोडिंग जा रहा है। अगर कोई डेला गिर गया, किसी के ऊपर गिर गया, बस्ती के अंदर से जा रहा है। ये बस्ती ही है, इधर भी घर बना हुआ, उधर भी घर बना, बच्चे निकलते हैं, गांव के जानवर भी निकलते हैं, सब कोई निकलता है।